और मसीह खुदाम के बाबरकत जलाली और प्रफजल नाम में आप तमाम देखने वालों को वर्शिपर एंजेला रॉबिन का बहुत बहुत सलाम कबूल हो। हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं इस प्रोग्राम के लिए और आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग। खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं इस विजन के लिए जो खुदावन ने अपने बंदा खुदा के अजीम खादम पास्टर सालिक जॉन बरकत साहब को दिया, और हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए जिसके वसीले से बहुत से नौजवान खुदा उनके कलाम को सुनते हैं और अपनी ज़िंदगियों को खुदा उनके लिए तैयार कर रहे हैं। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं इस प्रोग्राम का मेन विजन यही है कि हम नौजवानों को मोटिवेट करें ताकि वो खुदा उनकी खिदमत करें, और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ बहुत ही ब्लेस्ड पर्सनैलिटी, वेल नोन पर्सनैलिटी मौजूद हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आप सब उनके गीतों को सुनते हैं, लाइव उन्हें सुनते हैं, पूरे पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि डिफरेंट कंट्रीज़ में खुदावंद ने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पर्सनली मैं भी उनके गीत बड़े सुनती हूँ, मेरा खुदा मेरे नाल नाल है, बड़े खूबसूरत गीत हैं, और वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी मुराद भाई यानी वर्शिपर ज़फ़र इकबाल साहब से है, सो लेट्स वेलकम ब्रदर ज़फ़र इकबाल साहब इन आवर प्रोग्राम। Yes, brother, we welcome you in our program. Thank you so much, Angela. God bless you. Thank you so much for joining us. इससे पहले कि हम बड़ी खूबसूरत और मज़े मज़े की बातें यानी कलाम की बातें भाई के साथ शेयर करें और जानें कि किस तरह खुदावंद ने उन्हें ब्लेस किया, आप सब ने उनकी लाइफ के बारे में आप जानते हैं, उनके गीतों को जानते हैं, और ये बड़ी बात है कि उन्होंने जब हम बैठे तो उन्होंने कहा कि मेरे इंट्रोडक्शन करवाने की इतनी ज़रूरत नहीं क्योंकि लोग खुदावंद के फजल से जानते हैं। उन्होंने कहा आज हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी खुदावंद के कलाम को देंगे, ज़्यादा हम कलाम शेयर करेंगे क्योंकि लोग उनकी टेस्टिमनी से वाकिफ़ हैं, उनकी खिदमत से वाकिफ़ हैं। सो इससे पहले कि हम और क्वेश्चन और बातें उनके साथ शेयर करें, जानें कि वो आज यूथ के लिए क्या एक मोटिवेशनल मैसेज रखते हैं, मैं चाहूँगी कि हम दुआ करें। दुआ में रहनुमाई भाई ज़फ़र करें। कदूसान के मालिक खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा उन इस खूबसूरत वक्त के लिए और खास तौर पर बेटी एंजेला के लिए, खुदा उन खूबसूरत प्रोग्राम के लिए, इस सेट के लिए खुदा बरकत चाहते हैं, खुदा उन खूबसूरत चैनल के लिए बरकत चाहते हैं, और खास तौर पर खुदा तेरा बंदा मर्द दुआ खुदा वंदा पास्टर सालिक के लिए बरकत चाहते हैं खुदा यीशु के नाम से, खुदा इस खूबसूरत विजन के लिए कि जो खुदावंद उन्होंने अपने नौजवान बेटे बेटियों की नस्ल के लिए खुदा शुरू किया, खुदावंद इस प्रोग्राम के लिए बरकत चाहते हैं खुदावंद, इस प्रोग्राम में हम बैठे खुदा जो भी डिस्कशन करें, जो भी बातचीत करें खुदावंद, सारे का सारा जलाल आपको मिले, हम घटे और तू बढ़ता चला जाए, हमारी जिंदगी से फकत आपके नाम जलाल मिले मसीह यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। जैसा कि वर्स आप सब जानते हैं, आप गीतों को सुनते हैं, मुझे उम्मीद है बड़े खुश होंगे कि आज खुदा के अजीम खादम वर्शिपर ज़फ़र इकबाल साहब हमारे सेट पर मौजूद है, क्योंकि कलाम फरमाता ज़बूर नवीस फरमाता है हम गाकर तेरी कुदरत की सिताइश करेंगे। सो आप सब जानते हैं कि ज़फ़र भाई बड़ा खूबसूरत गाते हैं और खूबसूरत गाने के साथ साथ बहुत ब्लेस्ड वर्शिपर हैं, क्योंकि खुदा का कलाम भी हमें सिखाता है हम गाकर तेरी कुदरत की सताइश करेंगे। ये एक तरीका है कलाम भी खुदावंद के हम शुक्रगुजारी करते हैं, कलाम के वसीला से हम खुदावंद की खूबियों को, उसकी कुदरत को जानते हैं, लेकिन प्रस्तुति भी एक तरीका है जिसमें खुदा का कलाम होता है और गाकर खुदा की सताइश की जाती है, खुदा का कलाम औरत तक पहुँचाया जाता है। सो ज़फ़र भाई इट्स अ ग्रेट ऑनर कि आप हमारे पास आए हैं। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मुबारकबाद देता हूं इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है, और हमेशा से वर्शिप के हवाले से जो प्रोग्राम रिकॉर्ड होते हुए उसमें एक टाइटल दिया जाता था वर्शिप का, बट आपने इसको थोड़ा चेंज ये किया कि आपने इसको यूथ को मद्देनज़र रखा। डेफिनेटली आज ज़रूरत है कि हम अपनी यूथ को, नौजवान बेटे बेटियों को टारगेट करें ताकि वो खुदावंद में आएँ, खुदावंद में भले वो वर्शिप करें चाहे कलाम की खिदमत करें, लेकिन वो सीख करके सुन करके, और तभी वो अपने आप को, जब अपने आप को 100% खुदा में अपने आप को देंगे तो खुदा उनको ब्लेस करेगा। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच फॉर दिस एप्रिसिएशन। बस हमें अपनी दुआओं में याद रखें, इस प्रोग्राम को अपनी दुआओं में याद रखें। सो जैसा कि मैंने बताया, हम चाहेंगे कि आप चंद एक अपने गीतों का एक दफ़ा फिर ज़रा लोगों को भी रिमाइंड करें, लोग बड़े अच्छे से आपको जानते हैं, लेकिन मैं पर्सनली वो वीडियो भी आपकी बड़ी खूबसूरत थी, मेरा खुदा, वो बड़ा अच्छा लगता है, इतना खूबसूरत व्यू आता है मॉर्निंग का और बड़ा खूबसूरत गीत था। सो तकरीबन कितना टाइम हो गया लाइक वर्शिप में? जी बेटा, मुझे तकरीबन एंजेला 12 साल हो गए मसीहत में आए हुए। मैं ये लफ्ज जो है वो बड़ा जानबूझकर बोल रहा हूँ कि मसीहत में आए हुए, बिकॉज होता ये है कि एक घराने में पैदा होना मसीहत नहीं होता जब तक आप मुकम्मल तौर पर खुदा उनको खुद से कबूल नहीं करते, इकरार नहीं करते खुद।
तो वो ये खुदा का शुक्र है कि मैं 12 साल से खुदावंद की स्ताइश और प्रस्तुति कर रहा हूँ, और उससे पहले जो लाइफ का एक पैटर्न था मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि वो एक सेकुलर लाइफ थी, एक सिंगर की जैसे होती है, होटल्स में जाना, क्लब्स में जाना या वट एवर जो भी आपके इवेंट्स होने, नाइट क्लब्स में जाना। बट ये कि जब इस बात की खुदा के खादम मेरी ज़िंदगी में, मेरे रूहानी बाप पास्टर सफ़ीर अख्तर के वसीला से जब मेरी ज़िंदगी में ये बात पता चली कि उनके वसीला से मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आई और मैं मसीहत में आया, तो उन्होंने जब ये कहा कि एक ही चश्मे से दो तरह का पानी नहीं कर सकता, या एक ही नौकर दो मालकों की खिदमत नहीं कर सकता, तो तब मैंने वो मेरा 2009 में लास्ट कोई इवेंट होगा जो मैंने पीक टाइम पे छोड़ा, जब मैं सेकुलर लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इन था मार्केट के अंदर, लेकिन ये उन चीज़ों को मैंने आरजी जानते हुए, मैंने उन चीज़ों को छोड़ते हुए जब मैंने मसीह को कबूल किया और मसीह की खिदमत करनी शुरू की। तो एंजला, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा एक ही छोटी सी टेस्टिमनी के साथ। बड़ी फनी सी बात है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि जब मैं कमर्शियल गा रहा था, मैं लाखों रुपए कमा रहा था, लेकिन आई डोंट नो कि मैं कभी जहाज़ में नहीं बैठा था। अच्छा। लेकिन जब मैंने मसीह के लिए गाना शुरू किया तो मैं जहाज में बैठा और लोगों ने क्योंकि ये बड़ा अच्छा आपने शेयर कर दिया, क्योंकि लोगों का एक वो होता है ना, माइंडसेट होता है कि वहाँ पे पैसा बहुत है, सब कुछ है। लेकिन मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, कलाम पौलुस रसूल फरमाते हैं जो चीज़ें मेरे लिए फ़ायदा की थी लेकिन खुदा ने मैंने तेरे लिए उनको अपना नुकसान समझा। जो हमारे लिए नफ़ा की चीज़ें थी, अब वो आपके लिए नफ़ा ही था, बड़ा प्रॉफिट सब कुछ था, पैसा था, सब कुछ था, लेकिन आपने जब जाना कि खुदावंद की हकीकत को कि नहीं कोई दो मालकों की खिदमत, मुझे एक को सिलेक्ट करना है, और आपने वो सिलेक्शन खुदावंद की तो ये बड़ा अच्छा। और आपने डिसीजन, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगी कि आपने कलाम को सुन के उस पर अमल किया, क्योंकि कलाम फरमाता है महज सुनने वाले ना बने, उस पर अमल करने वाले बने। बहुत से लोग सुन लेते हैं, वो सुन के मैं समझती हूँ वो सुन ही हो जाते हैं, उस पर अमल नहीं करते। तो ये बड़ी बात है कि आपने सुन के उस पर अमल किया कि नहीं मुझे डिसीशन अभी इसी वक्त लेना है, और आपने वो फायदे की चीज को कहा कि नहीं खुदावंद ये मेरे लिए नुकसान है, क्योंकि इस दुनिया में होते मुझे फायदा है लेकिन मेरी वो स्पिरिचुअल लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। सो दैट अच्छा, इसी के साथ मैं चाहूंगी कि क्या डिफरेंस रहा, वो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही आपने बता दिया कि खुदावंद ने कहा कि आप शाही कहनों का फिरका, खुदावंद ने आपको बड़ी अच्छी सैरें कराई हैं। सो लेकिन इसके साथ एक और एक्सपीरियंस आप शेयर कोई करें कि पहली सेकुलर लाइफ में क्या चेंज था और अब खुदावंद के साथ लाइफ कैसी है। मैं बताना ही चाहूँगा इंजला कि सेकुलर लाइफ में पैसा था, फेम था, लेकिन लाइफ में एक बेचैनी सी थी, सेटिस्फेक्शन नहीं थी, इंटरनल लाइफ नहीं थी। लेकिन जब खुदावंद में गाना शुरू किया तो मैंने इस बात को जाना कि मैं एक अपनी टेस्टिमनी में ये बात करता हूँ कि जब मैं दुनिया के लिए गा रहा था तो दुनिया मुझे नहीं जानती थी, लेकिन जब मैंने यीशु के लिए गाना शुरू किया हालेलुया हालेलुया, क्योंकि आजकल ना भाई ऐसा हो गया कि लोग ना फेम चाहते हैं। सो अगर आप फेम के पीछे दौड़ेंगे तो कभी भी आप फेमस नहीं होंगे, अगर आप खुदावंद के पीछे दौड़ेंगे तो फेम आपके पीछे दौड़ेगी। सो ये बड़ी खूबसूरत बात की है कि जब हम खुदावंद पर तकिया करते हैं, खुदावंद पर तवक्कल करते हैं ना, तो खुदावंद हमें सरफराज करता है। कहते हैं शरीयत की ये किताब तेरे मुँह से हरगिज ना हटे तभी तुझे इकबालमंदी की राह। अगर जितने व्यूअर्स हैं वो इकबालमंद होना चाहते हैं, सरफराज होना चाहते हैं, तो जान ले उसकी की ये है, उसकी चाबी यही है कि हम खुदावंद के साथ वफादारी से चले। तो बड़े मज़े की बातें हो रही हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, व्यूअर्स भी जानते हैं, आप भी, कि हमारे प्रोग्राम का टाइटल यूथफुल मेलोडी टू गॉड, स्पेशली हम यूथ पे काम कर रहे हैं, और आई फील कि ज़रूरत भी है यूथ पे काम करने की, क्योंकि यूथ एक बैकबोन है और खुदावंद की भी डिमांड यूथ के लिए, क्योंकि वो एक एनर्जी का टाइम होता है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप एक्सपीरियंस शेयर करें या खुदावंद के कलाम से बताएं, क्या बाइबल के मुताबिक, खिदमत के मुताबिक खुदावंद की कोई तवक्कुआत हैं? हमें तो पता है कि हैं, लेकिन जो नौजवान देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप हमें, उन नौजवानों को बताएं कि उनकी बड़ी एक स्पेशल प्लेस है खुदावंद की खिदमत में, तो उस जगह को पहचाने और खिदमत में आए। डेफिनेटली, अगर हम इसको खाली यूथ को टारगेट करें या ऐसे नौजवान बेटे बेटियों वर्शिपर्स के लिए अगर बात करें, तो मैं हमेशा ये कलाम के हवाले से मैं कहता हूँ कि खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करें, लेकिन मैं इसकी आयत की कभी नफ़ी नहीं करता, बिकॉज़ ये खुदा के मुंह के बोले हुए वो रीमा अल्फाज हैं। लेकिन मैं जबूर 47 में ये लिखा हुआ है, मदा सराई करो, मदा सराई करो, खुदावंद की मदा सराई करो,
लेकिन अकल से करो। तो नौजवान बेटे और बेटियों के लिए, यूथ के लिए हमेशा खुदावंद का ये प्लान रहा है कि तुम दुम नहीं, तुम सर हो। और दूसरी बात यह है कि आज अगर हम अपनी कौम की नौजवान बेटों बेटियों की हालत को देखें, तो मैं अपनी वर्शिप के साथ साथ हमने बहुत सारे ग्रैंड यूथ सेमिनार्स भी करवाए, यूथ कॉन्सर्ट्स भी करवाए, हमने ये चीज़ों को देखा कि जो एक बेरवि हमारे ख़ानदानों के अंदर, बेटे बेटियों के अंदर जो पाई जाती है, डेफिनेटली जो है आपका बदन जो है वो मकदस है, खुदावंद का घर है। तो ज़रूरी है, कलाम के मुताबिक ही लिखा गया, बताया गया हमें कि वो मकदस है। तो मकदस को हमें कैसे रखना है, खुदा को अपनी ज़िंदगी में उतारना कैसे है, किस तरह, उसके लिए ज़रूरी है कि यूथ के लिए स्पेशली मैं कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में, जैसे मैंने अपने अल्फाज में ये कहा कि मेरे रूहानी बाप खुदा के खादम पास्टर सफ़ीर अख्तर साहब हैं, तो आपकी ज़िंदगी में एक रूहानी बाप का होना बहुत ज़रूरी है, एक रूहानी टीचर का होना, आपकी ज़िंदगी में चर्च का होना, चर्च बिल्डिंग का, उसके खुदा के घर का होना बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली जब यूथ और चर्चेज़ में आती हैं, डेफिनेटली एक रिवाइवल जो है वो हमेशा बिल्डअप होता है। तो मैं तो समझता हूँ कि कलाम में यूथ के लिए बहुत कुछ लिखा गया है, लोग अगर उसको पढ़ें, सुनें, देखें, और वही अगली बात कि अगर सिर्फ सुनने तक की हद में ना रहें, अगर उसके ऊपर अमल करें, तो हमारी कौम जो है वो बहुत आगे बढ़ सकती है, जा सकती है। मैं अगर स्पेशली अगर यूथ को टारगेट करूँ, जैसे कि कलाम में जैसे हम आप पूछ रहे थे, तो मैं कहता हूँ कि हमारी यूथ में क्या पाकिस्तान में रहते हुए हमारे यहाँ क्या अच्छे डॉक्टर्स नहीं पैदा हो सकते, अच्छे इंजीनियर पैदा नहीं हो सकते, अच्छे टीचर्स लॉयर पैदा नहीं हो सकते? तो ये चीज़ें किसने बिल्डअप करनी है, किस कौम ने इसको लेके आना है आगे? तो आज ज़रूरत है, आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं ये बात चाहूँगा अपनी यूथ को इनकरेज करना कि वो एजुकेशनली स्ट्रांग हो। सबसे बड़ी बात ये है कि मज़हब का, बाइबल का लाइफ के अंदर होना, आपकी पर्सनल टेस्टिमनी वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपकी लाइफ में एजुकेशन, एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ये बात बिल्कुल ठीक। तो कौम को, मैं अगर इसके ऊपर ज़्यादा और बात करूं, तो आज जो दुख के साथ मैं बताना चाहता हूं एंजला, आपके प्रोग्राम के हवाले से अगर यूथ की अगर हम बात करें, तो आज हमारे यूथ के अंदर सबसे बड़ा जो फुकदान जो पाया जाता है, आपको मैं बताऊं कि 60% जो नौजवान हैं हमारे, नौजवान वो नशे की हालत में है, लत में पड़े हुए हैं, और 40% जो हैं वो वुमन्स जो हैं वो नशा कर रही हैं। ये रेशो मैं बता रहा हूँ आपको। तो उसके बीच में फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ पर तरबियत का और एजुकेशन का फुकदान है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात भाई ने मासा चाहिए कि, क्योंकि हम भी एजुकेशन बड़ा प्रमोट करते हैं, क्योंकि ब्रदर ऐसा होता है कि सॉरी इस चीज़ को माइंड नहीं करना, आप वर्शिप फील्ड में आज आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, वो अगर किसी स्किल को ले लें, क्योंकि वर्शिप और ये एक टैलेंट, एक स्किल है, वो एक स्किल अगर वो ले लें तो वो एजुकेशन को छोड़ देते हैं। वी प्रेफर कि आप स्किल वाले भी हों, आप स्किल्ड पर्सन हों, आप खुदा उनकी खिदमत करें, लेकिन खुदा ये नहीं चाहता कि आप स्किल के साथ साथ आप खुदा उनकी खिदमत के साथ पढ़ाई छोड़ दें। पढ़ाई को आप बड़ा ये मैटर करती है, मैं आप खिदमत के साथ ब्रदर साथ एजुकेशन भी मैनेज कर रही हूँ, मैं ये नहीं अपनी पढ़ाई नहीं कर, लेकिन मैं बच्चों को वो करना चाहती, क्योंकि आजकल क्या है, ये बड़ी अच्छी बात है, हमें रोल मॉडल बनाने चाहिए, तो वो बड़ा इंस्पायर्ड होते हैं, लाइक आपकी लाइफ से बड़े इंस्पायर होते हैं, तो हम आपको बताना चाहते हैं दे आर वो यहाँ पे स्टेज पे हैं, तो अच्छी एजुकेशन हासिल की है और खुदा की खिदमत, और खुदा भी ऐसा चाहता है। बहुत खूबसूरत बातें हो रही हैं, लेकिन अब वक्त हुआ जाता है कि हम शॉर्ट ब्रेक लें, फिर आते हैं ब्रेक के बाद और इसी तरह अपनी गुफ्तगू को और इस कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग विद वर्शिप एंजला रॉबिन। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत और बाबरकत बातें हम शेयर कर रहे थे, खुदा के बंदा बड़ी खूबसूरत बातें हमारे साथ शेयर कर रहे थे कलाम से, और नौजवानों को मोटिवेट कर रहे थे क
कि वो एजुकेशन को भी हासिल करें और म्यूज़िक फील्ड में भी आना चाहते हैं तो उसे प्रॉपरली सीखें, क्योंकि कलाम भी फरमाता है कि हमने अक्ल के साथ खुदावंद की ताज़ीम करनी है। मैं भी तेरी हमद करूँगा पूरी अक्ल के साथ, आमीन। मैं चाहूँगी कि भाई आप हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि आप खुद वर्शिप फील्ड से हैं। सो इबादत में वर्शिप का, गाने का क्या किरदार है? गाना लाइक प्रेज प्रस्तिश का क्या किरदार है? ओवरऑल देखा जाए तो देखें किरदार जो है सिर्फ गाने वाले का नहीं, बल्कि एक चर्च में आने वाले हर शख्स का। क्योंकि वर्शिप जो है, अगर उसको मैं डिफाइन करूं तो वर्शिप जो है वो बेसिकली एक इबादत है। इबादत में साज बजाने वाले, साउंड ऑपरेट करने वाले, तालियां बजाने वाले, दरियां बिछाने वाले, जूतियां उठाने वाले और गाने वाले, ये सारे के सारे वर्शिप कर रहे हैं। वर्शिपर जो है या वर्शिपर वो बेसिकली एक हिस्सा है उसका, और उसको हम वर्शिपर नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे मदाख्वां, सनाख्वां। वो इबादत का, वर्शिप का एक हिस्सा है जिसको वो प्रोनाउंस कर रहे हैं, जिसको वो पेश कर रहे हैं। क्योंकि ओवरऑल वर्शिप को इबादत ही कहा जाता है। इबादत में दुआ करने वाले भी आ जाते हैं, बैठ के सुनने वाले भी आ जाते हैं। बिल्कुल। तो इसमें फिर जो आपने जो आपका क्वेश्चन है कि किरदार, तो वो हर एक का किरदार है जो वो अपने तौर पे समझ रहे हैं कि मैं खुदावंद की प्रस्तुति कर रहा हूँ और मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ, मैं अपने आप को पेश कर रहा हूँ। तो ये और उसका, खुदा का मामला है कि उसका वो अपने आप को किस तरह खुदावंद के हजूर अपने आप को उंडेल रहा है या पेश कर रहा है। बड़ा अच्छा। और मुझे यहाँ पे बड़ी अच्छी बात खुदावंद ने दिल में ऐसे डाली, जैसे आपने कहा कि सबका किरदार है। समटाइम्स गाने वाला समझता है कि बस ये से मेरा काम है गाना और चले जाना, सुनने वाला कहता है कि बस गा रही गाता रहे हमने। लेकिन यह कि जब रूह जहाँ हम सब मुत्तफिक होते तब खुदा, कलाम फरमाता है खुदा के जलाल के लिए हर एक जहाँ के खुदावंद ही खुदा है। अगर आप खुदा के जलाल को चाहते कि वह जाहिर करें तो हर एक जहाँ इकरार करके खुदावंद ही खुदा है। तो वो तब होगा जब यकरू और यक जहाँ होकर हम इकट्ठे होकर। कलाम बेटा यहाँ पे एक चीज़ और भी फरमाता है कि मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदावंद के लिए ललकारता है। तो ये सिर्फ गाने के लिए नहीं है, ये हर उस फर्द बशर के लिए है जो इबादत गाह में मौजूद है कि वो खुदावंद की स्तुति। और इसके लिए आगे बढ़कर देखा जाए तो देखिए कलाम में लिखा है कि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से, क्योंकि खुदा ने ऐसे परस्तार अपने लिए बनाए हैं। और सेकंड थिंग ये चीज समझी जाती है कि देखिए फरिश्तों के बाद अगर जमीन पर अगर इंसान तो वो इंसान है, तो वो अपने आप को लाइट ना समझे कि जिस सिर्फ गाना बजाना। yes. खुदा ने बड़ी एक प्रायोरिटी दी है। yes. प्रस्तुति करवाना वो फरिश्तों से करवा सकते हैं। यहाँ पर एंजेला हम शायद अपने टॉपिक से थोड़ा सा आगे चले जाते हैं कि यूथ को टारगेट करें एज ए वर्शिप। अगर मैं बात करूँ तो अगर आपने क्वेश्चन आगे किया था कि एक वर्शिपर को कैसा होना चाहिए, जी तो मैं यहाँ पर मेरे मौकाफात जो होते हैं, मेरे जो आंसर होते हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए हार्ड होते हैं कि भाई जफर थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बोल देते हैं। तो उसमें आपने भी जैसे स्टार्ट में बोला कि कुछ लोग होते हैं जो फेम के लिए आते हैं, लाइक्स डिसलाइक के लिए आते हैं, अपने कमेंट्स के लिए आते हैं। ये जो अल्फाज मैं बोल रहा हूँ अगर समझने वाले हों, कान हों, तो वो समझें कि वो किसके लिए कह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि देखें हमारा मकसद किसी को डिस्करेज करना नहीं है। खुदावंद की स्तुति प्रस्तुति हर एक का हक है। लेकिन जो सीखने की बात यह है कि आप एक पैटर्न देखते हैं बाइबल के अंदर या अपनी दुनिया के अंदर एक पैटर्न देखते हैं कि अगर एक खादम है, पास्टर है, प्रीस्ट है, अगर वो बनता है तो डेफिनेटली उसको 2 साल से 4 साल से 6 साल के 10 साल के सेमिनरी के बाद वो एक खादम बनता है। एक डिग्री से मिलते फिर वो इस लाइक होता है कि उसके नाम के आगे पास्टर लगा जाए। पास्टर लगाया जाए। तो मैं यहाँ से कासर हूँ, गो के हमारे मुआशरे के अंदर पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कोई ऐसा वर्शिप स्कूल नहीं है, वर्शिप सेमिनरी नहीं है, वर्शिप यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पर वर्शिप को सिखाया जाए, ट्रेन किया जाए। लेकिन उसका तरीकेकार है। अगर आप खुदावंद की स्तुति और प्रस्तुति करना चाहते हैं तो जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि आप चर्च ज्वाइन करें। चर्च जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी है, आपके वहाँ पर रूहानी बाप है जो पास्टर है, प्रीस्ट है, वो आपका रूहानी टीचर भी है जो आपको वर्शिप के बारे में सिखाएगा। जहाँ तक मैं आज की बात करूँ, अगर आपके व्यूअर्स इस बात को माइंड ना करें तो मैं हैरान इस बात के लिए होता हूँ कि आज हमारे मुआशरे के अंदर हमारे बहुत सारे बहन बेटियाँ जो हैं, भाई जो हैं, वो
ऐसे लोग वर्शिप कर रहे हैं जैसे आपने आपके क्वेश्चन में मैं ये पढ़ रहा था कि कैसा होना चाहिए, वो असल में वर्शिप तो कर रहे हैं लेकिन किसकी कर रहे हैं उनको पता नहीं, ये नहीं पता उसकी हालत। एंजेला बेटा मैं ये बताना चाहूंगा, उसकी हालत आज जो है वो सामरी औरत की तरह है कि वो खड़ी हुई यीशु को पानी पिला रही है लेकिन किसको पिला रही है उसको नहीं, ये नहीं पता। तो खुदा ने कहा तू उसकी प्रोसेस करते जैसे तू नहीं जानती, लेकिन हम उसकी प्रोसेस करते हैं जैसे हम जानते हैं। आज सामरी औरत बनने की बजाय हमें कलाम को कलाम के मुताबिक सीखना चाहिए कि प्रस्तुश क्या है। जैसे कि मैंने कहा ज़बूर में भी फरमाता है कि मदा सराई करो, मदा सराई करो, खुदावंद बादशाह है, मदा सराई करो और अकल से करो। तो अकल से सीखने के लिए आपको कलाम पढ़ना ज़रूरी है। और आज के वर्शिपर को मैं इनक्रेज करना चाहूँगा, वर्शिपर जो बन जाता है, जैसे कि मैंने स्टार्ट में अपने कहा कि बेसिकली वो वर्शिपर का टाइटल थोड़ा सा मैं यहाँ पर करेक्शन करता चला जाऊँ। ये हमारी टर्मिनोलॉजी पाकिस्तान की, ये हिंदुस्तान में पाई जाती है कि गाने वाला जो है वर्शिपर है, बट गाने वाला वर्शिपर नहीं है, वो मदाख्वां है, वो सनाख्वां है। और सेकंड थिंग, आप अपनी कॉलिंग को पहचाने। अगर आप गाने वाले हैं, अगर आप मदासरा हैं, मदाख्वां हैं, सनाख्वां हैं, अपनी कॉलिंग को पहचाने। और बेटा आपने भी जिक्र किया दाऊद बादशाह का, दाऊद बादशाह जब वर्शिप करता था तो मैं उसको बड़ा एडमायर करता हूँ कि वो डबल ऑनेंटेड पर्सन था। हाउ, कैसे? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब साउल बादशाह को फिट्स पड़ते थे, बदरूहे से सताती थी, तो वो दाऊद को बुलाते थे तो वो आकर के साज बजा करके गाता था तो वो बदरू भाग जाती थी। आज वर्शिपर के लिए इनकरेज करने के लिए बात है कि अगर आप अपनी कॉलिंग को पहचानेंगे, अगर आप खुदावंद की स्ताइश और प्रस्तुति करना चाहते हैं और प्रस्तुति करते हैं, तो आप अपनी कॉलिंग के वर्शिपर डबल अनॉइंटेड होता है। आमीन। आपकी प्रस्तुति करने से बंधन टूटते हैं, आपकी प्रस्तुति करने से बदरूहे भागती हैं, आपके प्रस्तुति करने से लोग हील होते हैं, आपके गाने से खुदावंद का तख्त लग जाता है। और मैं अपने लिए इनकरेजिंग की बात एक करूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर दुआ से आसमान खुलता है तो प्रस्तुति से खुदावंद का तख्त लगता है। हालेलुया, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अपनी कॉलिंग को, आज का वर्शिपर जो है अपनी कॉलिंग को पहचाने कि क्या वो जिसकी प्रस्तुति कर रहा है उसको जानता है। आज फर्क सवाल सिर्फ इतना चला जाता है कि खुदा के बारे में जानना और खुदा को जानने में फर्क है। मैं एंजेला को जानता हूं कि आप मर्दान से हैं, लेकिन एंजेला खुदा में कितनी मशहूर है ये मुझे और जानने की जरूरत है। आप जिसकी प्रस्तुति कर रहे हैं आप उसके उस बारे में नहीं जानते आप किसकी प्रस्तुति कर रहे हैं। तो मैं इनकरेज करना चाहूंगा आज के जितने भी बेटे और बेटियां खुदा के वर्शिपर्स खुदावंद की प्रस्तुति करते हैं, अपनी कॉलिंग को पहचानें। बिल्कुल, और बड़ी खूबसूरत बात की हम बिना जाने खुदा की प्रस्तुति कर, यानी हम दो सना है ना, खुदा की हम्द करना, हम करना लाइक तारीफ करना, इट्स लाइक प्रेजिंग, किसी की तारीफ करना। मैं आपकी बात को बढ़ाती हूँ कि देखिए, अगर मैं जस्ट हम एग्जांपल एक दूसरे के इसलिए दे रहे हैं, मैं आपको जानती नहीं हूँ, मुझे नहीं पता आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं क्या है, तो मैं आपकी तारीफ नहीं बयान कर सकती। हाँ, हम कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, कुछ बातें करेंगे, फिर मुझे आपके पता चलेगा कि भाई इनकी ये नेचर है, इतनी इनके अंदर क्वालिटीज़ हैं, तभी मैं आपकी तारीफ कर सकूंगी। इसी तरह अगर हम खुदा को नहीं जानते तो हम खुदा की तारीफ नहीं कर सकते। वो फिर एक ये है लाइक आप किसी को बटर लगाना, जैसे कहते हैं ना, बस मुंह पे तारीफ कर दी। तो खुदावंद की तारीफ करने के लिए, हम्द और सना करने के लिए खुदा से वाकिफ होना, खुदावंद के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रिलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बड़े खूबसूरत बातें हो रही हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि जैसा कि हमारे प्रोग्राम का टाइटल है यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग, वैसे भाई ने बड़े खूबसूरत गीत गाए हैं जिनमें दो दमड़ियाँ भी बहुत फेमस है, बहुत लोग गाते हैं चर्चेज में मेरा खुदा, हम सब भी सुनना चाहते हैं लेकिन टाइम कम होता है। मैं चाहूँगी कि आपका बड़ा खूबसूरत गीत है उठो आगे बढ़ो मेरी कौम के जवानों। मैं चाहूँगी कि इस प्लेटफॉर्म से आप हमारे नौजवानों को मोटिवेट करें, क्योंकि प्रोग्राम का टाइटल भी यूथ के लिए है और आपका बड़ा खूबसूरत गीत है, मैं बड़ा ज़्यादा इसको अप्रिशिएट करती हूँ और गाती भी हूँ जब हम यूथ के सेमिनार्स करते हैं, ताकि हमारे यूथ मोटिवेट हो। तो ज़रूर हम गीत सुनना चाहेंगे। मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं यूथ के लिए हमेशा से एक बेटर मैसेजेस सॉन्ग्स हम लोग देते हैं, जस्ट इंकरेजमेंट के लिए कि हमारी कौम में ये जो मेरी कौम के जवानों मेरी ये बात मानो, ये हमारा 2010 का पहला यूथ के लिए एक सॉन्ग था और खुदा ने इस गीत के वसीले से बड़े काम किए। आज मैं समझता हूँ कि होसैना बैंड जिस तौर से जब ये गीत लेकर आया तो उसमें
आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक रिवाइवल आया, लोगों ने गिटार्स, ड्रम्स, कीबोर्ड्स लेकर के चर्चेज में वर्शिप शुरू की। आपके बैंड्स के हमेशा गीत बड़े खूबसूरत होते हैं। ये खुदा की शुक्रगुजारी है कि खुदा ने इस चीज को पैदा किया। बट ये है कि मैं ये गीत एंजला की फरमाइश पर जरूर गाऊंगा और मैं चाहूंगा कि एंजला भी मेरे साथ गाए और हम मिलकर खुदा की साक्षर प्रस्तुत करेंगे और कहेंगे मेरी काम के जवानों मेरी ये बात मानो, उठो आगे बढ़ो, अपनी मंजिल को पहचान लो। तालियों के साथ मेरी काम के जवानों मेरी ये बात मानो, मेरी काम के जवानों मेरी ये बात मानो, उठो आगे बढ़ो, अपनी मंजिल को पहचान लो, उठो आगे बढ़ो, अपनी मंजिल को पहचान लो। कोई नहीं है आगे तुमसे, कोई नहीं है बेहतर तुमसे, हिम्मत से काम कर तुम लो तो होगा जमाना सारा पीछे, उठो आगे बढ़ो, अपनी मंजिल को पहचान लो, उठो आगे बढ़ो, अपनी मंजिल को पहचान लो। बड़ा समा बन गया था, बड़ी हजूरी थी, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और मुझे उम्मीद है कि वर्स भी आज के इस पैगाम के वसीले से बड़ी बरकत को हासिल करें। ऑलरेडी आपने बड़े अच्छे मोटिवेशनल मैसेज दे दिए हैं यूथ के लिए, लेकिन इन लास्ट एक बार फिर मैं चाहूँगी कि एक शॉर्ट मैसेज आप यूथ को क्या देना चाहेंगे। यूथ और स्पेशली एज ए वर्शिपर अपने हम खिदमत जो वर्शिप करते हैं बेटे और बेटियाँ उनके लिए एक मैसेज है। एक आखिरी बात जो हमारी रह गई थी वो है, क्वेश्चन है प्रेज एंड वर्शिप। प्रेज का मतलब है तारीफ करना, आप खुदावंद की दिलो जान से उसकी तारीफ करें, लेकिन वर्शिप का जो मतलब है, मीनिंग से बिब्लिकली, वो है सिजदा करना। तो आज हमें सीखने की जरूरत है कि हम प्रेज तो कर रहे हैं तो क्या हम अपने दिलो जान से खुदावंद को प्रेज भी प्रस्तुत भी करें, सजदा भी करें, वर्शिप भी करें। तो ये नेक्स्ट लेवल है। तो बस अपनी जिंदगी में खुदावंद को लेकर आए और जो हमारे बिब्लिकली हीरोज हैं आप उनको अपनी लाइफ में पढ़ें, उनको सीखें, उनकी जिंदगी को देखें, दाऊद बादशाह की तरह कि खुदा उसको किस तरह इस्तेमाल करता था। तो डेफिनेटली आपको यूट्यूब की, फेसबुक की, टिकटॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पे ऊपर जब नजर खुदावंद की हो जाएगी तो खुदावंद आपको प्रॉस्पर करेगा। God, hallelujah, thank you so much. आइए वक्त हुआ जाता है, जितने नौजवान हमें देख रहे हैं अपनी आंखों को बंद करें। मैं मान से कहती हूँ कि आज के प्रोग्राम के वसीले से आपने बड़ी बरकत को रिसीव किया है। अपनी आंखों को बंद कर अपने सरों को खुदावंद के हजूर में झुकाएं, क्योंकि उससे बंद आंखें और झुके हुए सर पसंद। आइए आज गौर कर अपनी जिंदगी पे, क्या है खुदा मैं तेरी प्रस्तुति कर रहा हूँ, क्योंकि लिखा है कि मैंने उन्हें इसलिए बनाया ताकि वो मेरी ताज़ीम करें, मेरी प्रस्तुति करें। लेकिन एक जगह खुदा कहता है लेकिन उन्होंने मेरी खुदाई के लायक मेरी प्रस्तुति नहीं की। उनके होंठों ज़बान तो मेरी प्रस्तुति करते हैं लेकिन उनके दिल मुझसे दूर है। आज गौर करें, क्या ये हमारा दिल खुदावंद से दूर है? अगर दूर है तो कहें आ खुदावंद, अब तक मैं उस खुदा की प्रस्तुति करता रहा जिसको मैं नहीं जानता था, लेकिन अब आ खुदा मैं तेरी प्रस्तुति करना चाहता हूँ, मैं तुझे जानना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि तू खुदा अजीम है, तू कहर करने में धीमा और शफकत में गनी खुदावंद है, तू हमारे गुनाहों को मिटा डालने की कुदरत रखता है, तू हमारी खताओं को बख्शने की कुदरत रखता है, हमारे गुनाहों को माफ़ कर, हमें फजल दे के हम तेरी खिदमत करें, हम तेरी प्रस्तुति करें, हम तुझे सजदा करें, क्योंकि तू सजदों के लायक जिंदा खुदावंद है। आई होप खुदावंद
तेरा नाम जो सब नामों से आला नाम है। जितने नौजवान आज हमें देख रहे हैं खुदावंद, जितनों ने आज ये अहद किया है कि वो तेरे साथ चलना चाहते हैं, वो तौबा करना चाहते हैं, वो अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो अपनी चर्च को, मिनिस्ट्री को खुदावंद बैकबोन प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो उनको एक सपोर्ट देना चाहते हैं। खुदा तू उनके इन इरादों को कायम रखना यो पा खुदा, उन्हें ये कुव्वत देना ताकि वो तेरे नाम और तेरे जलाल में बढ़ते जाए और तू उन्हें अपने काम के लिए इस्तेमाल कर। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच जफर भाई फॉर जॉइनिंग अस। बड़ा अच्छा लगा। जरूर हम एक बार फिर आपको दोबारा इनवाइट करेंगे इस प्रोग्राम में और आपके इस टाइम के लिए। सो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपने बड़े प्रोग्राम को एंजॉय किया, एंजॉय के साथ साथ आपने अपनी ब्लेसिंग को रिसीव किया। आमीन। हालेलुया। और खुश रहें क्योंकि कलाम फरमाता है खुश रहो और मसीह में खुश रहो। आमीन। सो फिर मिलेंगे एक न्यू प्रोग्राम में एक न्यू गेस्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहें यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग विद वर्शिपर एंजेला रॉबिन, ओनली ऑन बरकत टेलीविजन। खुदा के लिए।